अभी हाल फिलहाल में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में एक जाना पहचाना सच उजागर कर दिया है। जहां आत्मविश्वास, आंतरिक कलह और जमीनी हकीकत से कटे रहना एक पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण बनता है। इस बार कांग्रेस ने एक ऐसा सबक सीखा है जो शायद लंबे समय तक उनकी राजनीति का हिस्सा रहेगी, और अगर इस बार के बाद भी उन्होंने सबक नहीं सीखा तो न जाने आने वाले जितने भी चुनाव हैं उसमें उनका प्रदर्शन कैसा होने वाला है। लोकसभा में तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, पर उन्हें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसे आप हल्के में ले सकते हैं। हरियाणा के चुनाव परिणाम देख के कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों की याद ताजा हो गई, जहां बीजेपी ने भले ही सत्ता हासिल कर ली थी लेकिन उत्तर प्रदेश की कई महत्वपूर्ण सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। खास करके फैजाबाद सीट जैसी जगहों पर, जहां जो सीट जिसके अंदर राम जन्मभूमि आता है, अयोध्या आता है, उस सीट पे बीजेपी की हार कहीं ना कहीं एक इस लोकसभा चुनाव जो लोकसभा चुनाव हुए हैं अभी कुछ दिनों पहले, जिसमें बीजेपी ने सरकार बनाई, प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक काले धब्बे के रूप में बीजेपी के ऊपर लग गई है। बीजेपी का लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन कई मामलों में असाधारण था, लेकिन हरियाणा में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस आत्मविश्वास की चादर ओढ़े हुए है। चुनाव परिणामों ने साफ कर दिया था कि कांग्रेस ने अपनी हार खुद ही लिखी थी, और इसकी मुख्य वजह थी आत्मविश्वास, गुटबाजी और चुनावी राजनीति, या यूं कहें कि चुनावी रणनीति की कमियां। कांग्रेस का आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण उनका अति आत्मविश्वास, जिसे ओवर कॉन्फिडेंस इंग्लिश में कहते हैं, वो था। कांग्रेस को भरोसा था कि लोकसभा चुनाव में किए गए अच्छे प्रदर्शनों के आधार पर यहां भी वो जीत हासिल कर लेंगे। कांग्रेस ने ये मान लिया था कि जनता उनके साथ है, और कई खास मुद्दों पर भी बिना मजबूती के साथ अपने पक्ष को रखते हुए वो चुनाव जीत सकती है, और बिना खास मेहनत के भी वो चुनाव जीत सकती है, लेकिन जमीनी सच्चाई इससे काफी अलग थी। कांग्रेस ने जिस आत्मविश्वास के साथ चुनाव में कदम रखा था वो उनके लिए भारी पड़ा। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग ने सबसे बड़ी उनकी जीत दिलाई। उन्होंने महिलाओं और गैर जाट मतदाताओं का समर्थन बखूबी हासिल किया, और इसी के तहत अगर आपको याद हो तो 6 महीने पहले उन्होंने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया था। हरियाणा में जाट वोटर्स का काफी प्रभाव है, लेकिन गैर जाट मतदाता जो कुल वोटर्स का लगभग 40% थे, उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। वहीं जाट वोट जो करीब करीब 22 से 25% थे, उनका कांग्रेस पर परंपरागत समर्थन था, लेकिन बीजेपी ने इन जाट वोटर्स के ध्रुवीकरण का फायदा उठाया और गैर जाट मतदाताओं को एकजुट कर लिया। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी गलती यह रही कि उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय सिर्फ हवा में चुनाव लड़ा। जैसे कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे हो रही हैं चीजें, हर जगह बातें हो रही हैं, एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, जितने लोग जा रहे हैं सारे के सारे बड़े टीवी चैनल्स, पत्रकार वहां गए, सबने बोला कि कांग्रेस जीत रही है। और कांग्रेस ने भी, मुझे आश्चर्य है, कांग्रेस ने भी इस बात को मान लिया कि वो जीत रही है, और इसीलिए कांग्रेस को लगा कि बिना ज्यादा मेहनत के ही वो जीत जाएंगे। लेकिन वो यह बात भूल गए कि राजनीति में जमीनी हकीकत से कटना सबसे बड़ा नुकसान दे सकता है। कांग्रेस की रणनीतिक गलतियां भी काफी थी। बागी और गठबंधन पर ध्यान ना देना कांग्रेस की एक बड़ी गलती साबित हुई। बागी नेताओं को नजरअंदाज करना, कई ऐसी सीटें जहां कांग्रेस के खिलाफ बागी और निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हुए थे जिन्हें कांग्रेस ने हल्के में लिया, इसका नतीजा यह हुआ कि इन बागी उम्मीदवारों ने कांग्रेस के वोट बैंक को बुरी तरह प्रभावित किया। अगर कांग्रेस ने सही समय पर गठबंधन किया होता तो शायद स्थिति कुछ और हो ही सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, आम आदमी पार्टी ने 5 शहरी सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस और आप के बीच बातचीत नाकाम हो गई। नतीजा, और आम आदमी पार्टी के जो भी मतदाता है वो कभी भी बीजेपी के मतदाता नहीं हो सकते परंपरागत तरीके से अगर देखा जाए, तो वहां पे जो नुकसान हुआ
वो डायरेक्ट नुकसान कांग्रेस को हुआ है। और कांग्रेस का यह समझ लेना कि वो अकेले ही चुनाव जीत सकती है, उनकी हार की एक सबसे बड़ी वजहों में से एक। अभी आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर भी कांग्रेस ने गठबंधन किया और गठबंधन के वजह से उनको फायदा हुआ और उनको 99 सीटें आई। कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है और ये चीज कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि वो अकेले चुनाव जीत सके। आपने 88 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन एक भी सीट जीतने में आप नाकाम रही। हरियाणा की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। बीजेपी ने इस बार जाट और गैर जाट ध्रुवीकरण का बखूबी इस्तेमाल किया। ओबीसी वोटर्स जो कुल मतदाताओं का 40% है बीजेपी के साथ चले गए और कांग्रेस के लिए ये बड़ी सबक थी और एक बड़ा झटका साबित हुआ। कांग्रेस ने जाट वोटर्स के भरोसे चुनाव लड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से जो हुडा है उनको चेहरा बनाया गया, लेकिन गैर जाट समुदायों का समर्थन ना जुटा पाना उनके लिए नुकसानदायक साबित हुआ। यहां तक कि कांग्रेस के टिकट वितरण में भी कई खामियां रही हैं। कांग्रेस की अंदरूनी कलह कांग्रेस की हार का एक और बड़ा कारण बनी। टिकट वितरण में हुई खामियां, हरियाणा में कांग्रेस के दो प्रमुख गुट थे, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा का और दूसरा गुट था कुमारी सैलजा का। इन दोनों गुटों के बीच चल रही आंतरिक कलह ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति को कमजोर करके रख दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव टिकट वितरण पर ज्यादा था और इसके चलते कई सीटों पर गलत उम्मीदवार उतार दिए गए जो चुनाव में हार का कारण बने। कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से पार्टी का चुनावी अभियान भी कमजोर रहा। गुटबाजी के चलते पार्टी एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ पाई। बीजेपी ने जहां तक संगठित और मजबूत चुनावी अभियान चलाया वहीं कांग्रेस के नेताओं के बीच तालमेल की कमी साफ साफ नजर आई। सोशल इंजीनियरिंग और जमीनी हकीकत, बीजेपी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग और जमीनी हकीकत पर काम को बखूबी अंजाम दिया। हरियाणा में चुनावों में बीजेपी की एक बड़ी रणनीति थी गैर जाट वोटर्स को एकजुट करना, जिसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। बीजेपी ने महिलाओं, ओबीसी और अन्य गैर जाट समुदायों को अपने पक्ष में करने के लिए ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर कड़ा काम किया। इसके अलावा बीजेपी ने सत्ता में 10 साल होने के बावजूद भी राज्य के लोगों में सरकार के काम को लेकर संतुष्टि दिखी। एक रिपोर्ट आई लोकनीति CSDS की सर्वे, जिसके अनुसार लगभग 60% जो लोग थे वो राज्य सरकार के काम से संतुष्ट थे। जब कई रिपोर्टर ग्राउंड पे भी जाके बात कर रहे थे वहां एक चीज समझ में आ रही थी कि जब भी लोग हुडा की बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि हुडा ने केवल जाटों का समर्थन किया। हुडा ने उनको इतना समर्थन किया कि जाटों को नौकरियां मिली, सारे के सारे जितने भी योजनाएं थी उनका लाभ भी जाट समुदाय पर ही केंद्रित था, जिसकी वजह से जो नॉन जाट वोटर्स थे वो गोलबंद हो गए। ये जो 60% वाला सेटिस्फेक्शन लेवल है, ये जो संतोष है वो बीजेपी के पक्ष में गया और उन्हें तीसरी बार सत्ता में लाने में इससे काफी मदद मिली। और बीजेपी का जो ये सोशल मीडिया इस बार हुआ और दोनों लेवल पे, ग्राउंड पे और सोशल मीडिया में, एक बहुत ही संतुलन दिखाई दिया। जब कांग्रेस काफी ओवर कॉन्फिडेंस में बैठी हुई थी वहीं बीजेपी जमीनी स्तर पर ठोस चुनावी रणनीति बना के उसको उन्होंने इंप्लीमेंट किया, जिसका सबके सामने है रिजल्ट क्या आया। तो अंत में अगर इसको समराइज करें तो आत्मविश्वास, गुटबाजी और गलत फैसले कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण बना। उन्होंने मान लिया था कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, वहां पे बहुत सारी चीजें हो रही थी, किसानों के बारे में बात की जा रही थी कि किसान असंतुष्ट हैं, जितनी भी महिलाएं थी उनके बारे में बात की जा रही थी क्योंकि विनेश फोगाट वाला केस हुआ था तो वो महिलाएं उस चीज से असंतुष्ट है। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को लगा कि इन सब चीजों ने मिलकर, और साथ में 10 साल से क्योंकि सरकार थी, कांग्रेस ने ये माना कि जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में कुछ भी आसान नहीं होता, कांग्रेस शायद ये भूल चुकी थी। हर चुनाव की अपनी जमीनी हकीकत होती है और कांग्रेस ने इस हकीकत को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, कंप्लीटली नजरअंदाज कर दिया था। और ये कुमारी सैलजा और जो हुड्डा साहब है उनके बीच की जो ये टकराव था, इसका बीजेपी ने भरपूर फायदा उठाया। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस
हरियाणा चुनाव से जो सबक सीखती है इसका इंप्लीमेंटेशन महाराष्ट्र में वो कैसे करती है, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं होने वाला है। तो अब देखना होगा कि कौन महाराष्ट्र जीतता है। आप देख रहे थे जीफी न्यूज, मैं हूं नील।